हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं आज स्टार्टिंग यहां से कर दूं, क्योंकि व्लॉग सही चलने लग रहे हैं। मैंने ट्रैवल के व्लॉग डाले, ऑफ द टॉपिक डाले चैनल पे, और उसको आप प्यार दे रहे हो और उम्मीद है कि और ज्यादा प्यार दोगे। आज के व्लॉग में सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को थोर और मेरी फैमिली वापस दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को पसंद ही वो है ज़्यादा, तो मैं सब चीज़ दिखाऊंगा, ए टू जेड चीज़ें। और हाँ, सबसे पहले तो भाई मैं अभी ट्रिप से आया हूँ, लेह लद्दाख की ट्रिप से। आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता तो भाई मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। लेह लद्दाख गया था मैं, कई सारी जगह और घूमी है, मतलब प्रॉपर नाम लेह लद्दाख बोल देते हैं पर जगह तो बहुत सारी होती है। जैसे मैं श्रीनगर वाली साइड से गया था, जम्मू श्रीनगर है ना, और फिर पेंगोंग लेक वगैरह, नुब्रा वैली, ले सिटी, कारगिल, तो बहुत सारी जगह देखी है। अगर आप लोगों को वो एक्सपीरियंस देखना है, वो एक्सपीरियंस को मतलब महसूस करना है, वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे जा रहे हैं लोग, तो ज़रूर देखो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आई बटन में आ रहा होगा लिंक। ये सारा टैंक मैंने वापस साफ करा भाई, नीचे ये जो है ये गंद वापस इन्होंने कर दिए, क्योंकि अभी छोटी छोटी जो बच्चे थे अभी बड़े बड़े गोले मोलू हो चुके हैं तो इनकी डाइट ज्यादा हो गई है और ये उतना ही फीकल मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये छोटे छोटे सारे ये अपने डोरा के बच्चे हैं, इसमें सिर्फ एक ही है नीमो, मतलब यूं देख सकते हो आप, इन इसके ये सारे बच्चे हैं ब्लैक वाले, जो कि इसके बराबर साइज के हो गए अब। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रोथ है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है इनका। ये देखो, ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये भी बड़ा हो गया, ये पौधा चल नहीं रहा था ना, तो अपने आप ग्रोथ होगी इसकी भी। और नीचे चलते हैं, आजा आजा, अजय बिट्टू, अजय मेरे प्यारा बच्चा भाई। मौसम बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो पानी पानी हो रहा है, क्यों? क्योंकि बारिश गिर रही है हमारे यहाँ पे भी, तो बढ़िया माहौल बना हुआ है। ये सीनरी ना एक चीज है, जैसे मेरे दादाजी जब भी पैडियो से आते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने लगाया है। ओ मानो डन, राम राम, राम राम, क्या हुआ? राम राम, ये तेरा मुंह इतना चमक कैसे रहा है भाई? डी 10 किट यूज करने लग रहा हूँ मैं। चलो आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ उस तरह की डी 10 किट यूज करने लग रहा हूँ मैं। ये है फेस स्क्रबर और ये है डी 10 क्रीम। इसका क्या फायदा है और मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? पहली बात तो उस तरह के प्रोडक्ट जो है ना, वो केमिकल फ्री है, हार्मफुल केमिकल यूज नहीं करते। दूसरा, एनिमल क्रुएल्टी से बिल्कुल दूर रहे ना, एनिमल्स पे टेस्ट वगैरह नहीं करते। मेन बात क्यों यूज हो रहे हैं, जो सबसे पहले होता है फेस स्क्रब यूज करते हैं, इसके अंदर वॉलनट ग्रेन्यूल्स होते हैं जो टैन स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है उस्तरा डी 10 क्रीम, जो हेल्प करता है डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स से फाइट करने में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। हाँ, तो ये क्यों यूज करना चाहिए? यूज इसलिए करना चाहिए कि हम बाहर, बताता हूँ, पोल्यूशन वगैरह बहुत है या फिर सनलाइट की वजह से स्किन के अंदर टैनिंग हो जाती है, उसको सही करने के लिए, पिंपल्स को सही करने के लिए, ब्लैकहेड्स को सही करने के लिए इसे यूज करते हैं। ये प्रॉपर किट है, ये दो, इन दोनों को यूज करेंगे तब वो हट जाएगा। थोर मेरे को देख रहा है क्या कर रही है, थोर तेरे को भी डी 10 करेगा इसका तो ब्राउन कलर ही उड़ जाएगा। और इंग्लिश इधर है ना, इसके अंदर जो ये है ना, ये जो पार्टिकल्स है, ये अखरोट बोलते हैं, वॉलनट वो है, और ये मेंस की जो हार्ड स्किन होते हैं उसमें से सही पोल्यूशन तो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें निकाल देते हैं। ये कम से कम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक आप इसे स्क्रब करो ढंग से, 3 मिनट तक मैक्सिमम। उसके बाद अब मेन चीज क्या है, ये स्क्रब कर लिया, अब इसके अंदर यूज करना है ये डी 10 क्रीम। और ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब आप सोते हो ना, पता कब यूज करना है स्क्रब, कब यूज करना, जब आप सो रहे हो उससे पहले ये अच्छे से स्क्रब कर लिया, उसके बाद एक क्रीम पूरे चेहरे पे लगा लो और फिर पूरी रात सो जाओ। उसके बाद सुबह आप देखोगे ना, बिल्कुल फर्क, पूरा चेहरे में जो टैननेस थी या फिर पिंपल्स वगैरह, इनमें बहुत ज्यादा मतलब फर्क आएगा, ये बिल्कुल हट जाएंगे। तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी जरूर यूज करो। आपको क्रीम दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी जल्दी जाओ और वहां से परचेज करो। और हाँ, 20% ऑफ के लिए मेरा कोड यूज करना पंगाल 20, जो लिखा रहे यहाँ पे, उससे फिर आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आज हमारे घर में दो दो खुशी है, एक तो थोड़ नर्सरी में पास हो गया और मानू 12वीं में पास हो गई है
भाई मानु पास हो गया यार, अच्छी बात है, शाबाश। एलकेजी पास कर गई भाई। हेला एलकेजी पास नहीं, मम्मी पास कर गई क्या? और पास, पास करके कहा सॉरी है, पास करती आराम फरमा रही है, आराम फरमा रही है भाई। वो देखो देखो, अरे थोरू अपना भाई नर्सरी पास हो गई भाई थोरू। वो मम्मी आपका रजिस्टर देखो, अगर हम कर देते ना ये चीज तो यहाँ पे आज घमासान युद्ध हो जाता। चलो हमारे चित्र चित्र उड़ जाते हैं। मानो होगी पास है। अगर आप लोग पूछना चाहते हो कितने नंबर आए तो वो कल नहीं, वो कल हम इसको, मैं एक चीज हैंड ओवर करूंगा ऑफिशियली, तब पता चल जाएगा कल के व्लॉग में कि इसके कितने परसेंट आए। और हमारे लिए तो वो भाई 100% है। आज हमारी इतने खुशी है, पार्टी करा आज शाम को पार्टी होगी भाई, हमें इतनी खुशी है भाई। थोरू और मम्मी थोर पास हो गया, सबसे बड़ी बात ये भी है थोर, अरे जबरदस्त, एक तो ये फटाफट मालूम की तरफ प्लस टू पास कर देगा। आज दीदी आप 12 साल लगे प्लस टू। देखो भाई थोर हर दिन एक क्लास पास करेगा। हाँ, अब से सिंसियर हो रहे, क्योंकि इसको इसको एक टारगेट दिया था, थोर को एक टारगेट दिया था मम्मी, थोर के पास होने का पता क्या रिजल्ट वो था टास्क आखिरी पापा, इसको मैंने यूं कहा था चुपचाप जाके प्लाट में सुसु करा, कर आया पापा कर आया। हाँ। और एक बात बताई, मैं को बोला बोल देते, मैं बोली पहले खाना खा फिर बोल, बोलेगी खाना खा के बोन के पास खड़ा गया। कल कल पता है तेरे को, कल की बात, मैं और पापा बैठे थे, अब खाना खा रहे थे, ये हमारे पास बोले कि मैंने कहा बेटा हमारे पास नहीं तो मानू से खेल ले, और मानू बीच में बैठे थे बैठ गए, ये मानू बोली इधर से आ जा, तो मैंने कहा नहीं बेटा घूम के जाऊ, हाँ तो ये ना घूम के फिर मानू के पास गया, तो इसका मतलब ये अगले क्लास में जाने के लायक हो गया है। हाँ, बिल्कुल। इसको फर्स्ट में ही डाल देते सीधा। नहीं है? और हेला देखना है सुती पड़ी है पास करके क्लास अपनी। मनीषा की नॉक नॉक। क्या हुआ बेटा मानो रिबॉन्डिंग करा ले, मम्मी कहो उस तक क्या हो जाएगा। रेडी तो तू मानू की मानू है, मानू है मानू डॉन, मानू भी बोल भी रहा था इधर बेटा, ना तेरे को रिएक्शन दिया ही नहीं, कुछ हो रहे हैं गए मत ले ऐसे मानू, आज तो भाई तीनों की वो कर रहे हैं, वो बात भी आ गई क्या मम्मी ऐसी काज कर। आप लोगों को दिखाते थोर कैसे पास हुआ। थोर तू पास तो हो चुका है, पर तुझे दिखाना है तू कैसे हुआ। चल सुसु कर गया, चल 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 वहां कर दिया, चल पास हो गया। अंकल इसमें स्टेरिंग का है, बिना स्टेरिंग के। ओए थोरी इधर आजा, थोर बस गई वो ना, इसको कुछ नहीं कहना, ये सही अच्छी हो, चल किसी को कुछ नहीं कहना, चल भाईचारे में रहना पापा। देखो गाइस ये है, इसे हमने छोड़ दिया, देख 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 जल्दी आ जा, देख 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 पूरी बात छिक गई भाई। हेला देखो तू मत पास, इधर आ मानू वापस, हेला आ जा जल्दी आ, हेला हेला जल्दी आ। थोरी आजा, बाथरूम में बंद कर दिया उसे। हेला हेला थोरू को बाथरूम में बंद कर दिया, बाथरूम में ही आजा, ओ स्ट्रेस निकाल ला भाई, स्ट्रेस निकालने आ गया हेला, आ गया आ गई। चल भाई हेला तेरी ग्रेवी खाने का टाइम हो गया, मम्मी थोर को इसने बाथरूम में बंद कर दिया, आ थोड़ी बात थोर थोर इधर आ, खुश खुश खुश, ओ थोर मानु को नहीं, थोर मानु कहियो बाहर करियो, खुश थोर जा जा जा, सारी बात सुनते हैं, खुश खुश खुश, ए डांगर उदमिश कर रहे मारे, थोरी खुश थोर खुश खुश खुश।
पूरा एक्टिव हो जाता है और कोई देखे तो भौंकने भी लग जाता है। अच्छा थोड़ू गोरी कैंडी तू और हट जा मानो आगे से अभी मम्मी पापा मेरे बूढ़े हो चुके हैं। वो बूढ़े हो गए तो पहले हमें नहीं मम्मी हरकत तो दे दो जो बाथरूम है ना उसमें यहाँ पे हमारा शावर लगा हुआ है। अच्छा और शावर है बड़े वाला। हाँ ठीक है तो अब शावर ये पीछे से मम्मी अब वो दे रही है जैसे ये शावर है तो ऑब्वियस सी बात है कि परछाई अगर शावर यहाँ है तो परछाई यहाँ गिरेगी। हाँ ठीक है तो अब उसकी परछाई टाइल पे यूं गिरी हुई थी। राजा खड़े दोनों बाथरूम पे ये सीनन आ गई। मम्मी बोली आप डटो में नहीं क्या हुआ ना तो नहीं आई ना वो बच के आ रहे मैं अभी नहा रही थी मैं सोचा ये सीनन कैसे आ सकती है। मैंने शावर को ऐसे करके देखा वो परछाई हिलने लगी दोनों एक साथ बैठ के खड़े होके कह रहे चिंता होती है इतना पैसा लगा के हटे हाँ। अरे तो चिंता होती है थोड़ा दिमाग तो चला लो। ये एक्चुअली मम्मी पापा जी है हमारे समझदार पापा मम्मी को लेगा पापा नाए नहीं है वो भी सेना के बाद टेंशन पे ओ इसकी के टेंशन है प्लम्बर को फोन करा रहे। चलो भाई तैयार हो गया हूँ मैं। पापा तो नहीं खाएंगे क्योंकि पापा आप सबको पता बाहर का नहीं खाते बट पापा हमें कंपनी देने के लिए सूप वगैरह शायद पी ले। पापा ने तो खाना खा लिया बट मानू मैं मम्मी हम तो खाएंगे भाई। आज तो खुश हो रही है पूरी भाई। हमारे साथ दिक्कत होगी कि ना हम आ तो गए मशरूम में बट हमें 10 मिनट से हमें समझ नहीं आ रहा ऑर्डर क्या करें। सूप तो कर दिया पर ये मानू कह नहीं रहे मेरा कुछ मन कर नहीं रहा खाने का। एक्चुअली मैं बाहर जाके खाया आया था मम्मी। अरे मम्मी क्या खाना है जो तुम खाओगे वो खाओगे जो पापा खाओगे वो खाओगे। ये क्या बात यार तुम सारे ये बात कह रहे हो। पापा क्या खाना है पालक पनीर। आप तो खा के नहीं आए थे। मानू क्या खाना है। लो भाई सूप आ गया पहले सारे सूप पी रहे हो ना मम्मी और मानू मंचाओ। हम इसका नाम मस्त है यार ये टमाटर धनिया का शोरबा। ये मानू रो रही है। ये मानू रो रही है। पानी मांग रही। लो भाई पापा का पालक पुदीना पनीर आ गया है। ये लो हमारा सीजनर भी आ गया। हैप्पी मानू खा ले अब पूरे स्क्रीन में तेरा मुंह ही दिख रहा है। चलो खा लेते हैं फिर मिलते हैं भाई। चलो भाई मानू की होगी पार्टी आज। आज बिट्टू बहुत गंदे बारी है इसके। आज मैं 200 स्पेन के गया एक अलग रंग की एक अलग रंग सोचो यहां का सब। अरे ये तो घर पर ऐसे बस ये ऐसा ही टोन है हमारा। अरे इसके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मैडम मैं दो बार एंडिंग कर चुका हूं। शट अप। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरे काम आप लोगों को मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ एंडिंग करते हैं। ओके बाय बाय।